तो हमारी राइड हो गई है ओवर और वी एंजॉयड ऑल आउट। अब ये लोग उतर रहे हैं वन बाय वन करके, तो अभी हम डल झील पे अपना बोटिंग करके आ चुके हैं। शिकारा राइड नॉट बोटिंग। एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, वेरी लवली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड वी एंजॉयड ऑल आउट। और जो भैया थे वो भी बहुत अच्छे थे हमारे। हमारी शिकार राइड ओवर हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं शालीमार पार्क। आपसे वही मुलाकात होती है पार्क में, बहुत ही खूबसूरत है। ये है शालीमार गार्डन इन कश्मीर। जब आप कश्मीर आए तो यहाँ पे विजिट करिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत पार्क। ये शालीमार पार्क शाहजहां द्वारा बनाया गया है और ऐसे बहुत सारे पार्क बनाए गए हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा और नेचर और उसकी ब्यूटी को बरकरार रखा है इन्होंने। ये स्कूल के बच्चे आए हैं गार्डन देखने के लिए, विजिट कराने के लिए इनको लाया गया है। तो जब यहाँ पे हम लोग आए तो देखा बहुत ही खूबसूरत ये पार्क बना हुआ है, झरने कंटिन्यूस बहते हैं, बच्चे और जो फैमिली बहुत एंजॉय करती है इस प्लेस को और नेचर से भरपूर, पीछे पहाड़, झरने, नेचुरल वाटर के सोर्स को बहुत बखूबी यूज किया हुआ है। फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, रोजेस की हर एक वैरायटी मिलेगी और इवन यहाँ पे जो इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो भी आप कैरी करके फोटोज वगैरह ले सकते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो रियली मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, आने के बाद यहाँ पर मन जरूर खुश हो जाता है। और आगे मिल गए हमें बच्चे, उनके साथ बहुत मस्ती की हमने देखी। आगे आप यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पर एक अच्छा हम लोग ने टाइम स्पेंड किया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे, मार्केटिंग करेंगे। और ये स्कूल के बच्चे हैं, मुझे बहुत क्यूट क्यूट से लग रहे थे, मैं यहाँ से निकल रही थी तो ये कैप्चर हो गए। हम हैं शालीमार के बाहर और ये है हमारे यूपी वाले भैया लगा रहे हैं गोलगप्पे, तो यहाँ पे आए जरूर खाए। क्या नाम है? रुक जा, रुक बता भाई, मुकेश। तो अब चलते हैं शॉपिंग करने, अब यहाँ की मार्केट आपको दिखाते हैं। शॉपिंग करने के लिए तो कौन सा मार्केट है ये भैया? कोपर बाजार में, और मार्केटिंग करने आए हैं यहाँ पर कश्मीर का प्रोडक्ट लेने के लिए, जो शॉल्स और यहाँ पे पश्मीना जो फेमस है। तो हम भैया की दुकान में आए हैं और भैया हमारे कश्मीरी पंडित हैं, इनकी दुकान में हम लोग आए हैं शॉप पे और परचेज करने के लिए। तो सबको सामान बहुत अच्छा लग रहा है, रिजनेबल प्राइस में भी है। तो लेट्स सी हम लोग क्या क्या ले पाते हैं यहाँ से। तो ये है तिरंग टाइप का कुर्ती, वुलन कुर्ती, पर ये डिजाइन अच्छा लग रहा है और डिजाइन आ रहा है, हल्का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, तब बड़ा बड़ा नहीं अच्छा लगता। ये इतना बड़ा है, ये देखो हम लोग ने पूरा मार्केट चेकआउट कर लिया, जो लेना था हम ले चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और शाम का सीन आप लोगों के लिए कैप्चर किया है और काफी सुहाना, काफी ठंड हो चुकी थी और ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी। लेकिन मार्केट यहाँ पे 7 बजे बंद हो जाता है, आपको 7 बजे तक मार्केट एनी हाउ करनी ही करनी है, अदरवाइज आप अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो टाइम का विशेष ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मार्केटिंग करके, काफी सारी मार्केटिंग अपने लिए और घर वालों के लिए, सब लोगों के लिए कर ली है हम लोग ने मार्केटिंग। मार्केटिंग पूरी हो चुकी है, अपनी कैब का वेट करें और बस यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको अगल बगल की बिल्डिंग्स दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मेरी कैब आ चुकी है, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, BASF का जो हमारा ऑफिसर मेस है। और ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं, ये जो लाइटिंग है ना, ये इंडिया का मैप है पूरा जो बनाती है माउंटेन्स पे एकदम। और ये देखिए आप लोगों के लिए विशेष कर मैंने ये कैप्चर किया है और इतनी खूबसूरती है अगल बगल जब हम यहाँ से निकलते हैं। नॉर्मली तो ये इस तरह से रात में दिखती है सिटी और ये श्रीनगर मेरे दोस्तों। ये है हमारा यहाँ की लास्ट मॉर्निंग और बड़ा दुख भी हो रहा है, हम लोग एक कप चाय साथ में पियेंगे उसके बाद बस कैब आ जाएगी और हम लोग यहाँ से निकल लेंगे।
अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी जर्नी यहाँ की बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही ब्यूटीफुल रही, तो हम लोग ने बहुत सारा एंजॉय किया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो अब हम लोग अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हमारी फ्लाइट जो है बहुत अर्ली की है, 12 o'clock और उससे पहले की, और हम लोग ये पहुंच गए बस यहाँ पर। बहुत सारी चेकिंग के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पर और स्पैरोज ब्रेवली घूम रहे थे, हम लोग से डर नहीं रहे थे, ह्यूमन बींग्स मीन्स का बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोगों का टूर का ये लास्ट है और हम लोगों की फ्लाइट में हम लोग बैठ चुके हैं। अब बस हमारी फ्लाइट टेक ओवर होने वाली है। तो हमारा कश्मीर का टूर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार था, हम फिर से आना चाहते हैं, इतना सुंदर है। तो हम दोबारा फिर से आएंगे और ओके बाय। आने के बाद हम लोग 20 degrees से एकदम से 40 degrees में आ गए भाई। हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, दिमाग हमारा हो चुके हैं जम्मू स्टेशन पर। अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, यहाँ से हम लोग ने एक कैब कर लिया यहाँ तक के लिए। तो हमारी ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम है, हम लोगों को 4:30 बजे का टाइम पता था, लेकिन वो 2:15 अभी 2:55 हो रहे हैं, हमारे 2-3 मिनट और है, और उससे जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। हमारी टाइम ट्रेन है 4:25 पे, और यहाँ पे आके टेम्परेचर एकदम से 20 से हम लोग 40 degrees पे आ गए, बहुत गर्म लग रहा है। और ये सब लोग बैठे हैं सामान के साथ वेटिंग फॉर जम्मू तवी एक्सप्रेस, और बहुत गर्मी है। हम प्लेन से उतर के अपने रेलवे स्टेशन पे आ गए, हम लोग जम्मू रेलवे स्टेशन पे जम्मू से बटर तो चलना, हाँ जा सकते हैं, और हम लोग जा रहे हैं अपने जूस वूस ढूंढने के लिए। हम लोग को अपनी ट्रेन मिल गई है ना, वी आर गोइंग तो आप लोगों को प्लेन से उतर के ट्रेन में सफर करने में क्या मजा है? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्लेन का सफर और ट्रेन में बहुत अंतर है, और 2 घंटे हम बैठे रहे स्टेशन पे, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, पागल हो गए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में। तो हम लोग वापस आ गए हैं और अब थोड़ा सा एक पियेंगे सबके साथ कॉफी, और उसके बाद हम लोग बैक टू पवेलियन अपने घर चले जाएंगे। और आज इस बार की ट्रिप हमारी बहुत ऑसम रही, बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग इतनी अच्छी जगह से वापस लौट के आ गए, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम लोग यहाँ पर हैं, अपनी एक एक चाय पियेंगे सब लोग एक साथ, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये रही गोलू दीदी, निशा दीदी और मेरी दीदी। तो उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों को जाने वाले हैं। अरे बाप रे, मेरा बैग गिर रहा है, इसको मुझे थोड़ा सा लिटाना पड़ेगा, चलो मैं ऐसे आ जाती हूँ। तो हम लोग हैं कानपुर सेंट्रल पे, सब लोग बैठे हैं, क्यों ये इनका अलग है क्या? उन्हीं का है ना, उन्हीं का है तो सिर्फ रास्ता है ना। तो बताइए लास्ट के जर्नी कैसी रही? बहुत लास्ट में थोड़ी सी भाई गए थे फ्लाइट से और आए थोड़ा सा आधा रास्ता फ्लाइट से और आधा हम लोग ट्रेन से। तो जब तक एक्चुअली में बाय मिस्टेक हमारी जो फ्लाइट की ट्रेन है हम लोग ने देखा नहीं, तो वो जम्मू तक हुई थी, इसलिए हमें जम्मू से अपनी ट्रेन लेनी पड़ी, तो वो बाय मिस्टेक हो गया था। लेकिन हम लोग दोनों चीज़ों का इंजॉय करके मज़ा लिया, मज़ा आया, ट्रेन में भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा भी अच्छे लोग भी थे। और अब हम लोग उतर गए हैं लास्ट में, सब एक साथ एक लास्ट कॉफी पीना चाहते हैं, बहुत अच्छी ट्रिप थी, बहुत अच्छी। बोलो निशा दीदी। हेलो, हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, हम लोग को बड़ा मज़ा आया, लेकिन यहाँ आकर के फिर से गर्मी में परेशान हो गए ये थोड़ा सा। बोल दीदी, ट्रिप बहुत अच्छी थी, वापस अपने घर आ गई। हाँ, तो जैसे कि कहते हैं अगर कश्मीर को जन्नत, तो वाकई में वो जन्नत ही है, और जन्नत का टुकड़ा, जैसे अनाउंस होता है कि आप जन्नत के टुकड़े में, तो ऐसा फील भी होता है कि हम जन्नत के टुकड़े में। तो गाइस इस सीरीज का यहीं पे करते हैं लास्ट हमारी चाय और कॉफी के साथ, तो स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, चलो फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। टिल देन एंजॉय आवर ट्रिप। हाँ, एक टाइम था जब हम लोग आए थे तो कितनी खुशी हो रही है, एक टाइम है
हम लोग जा रहे हैं यहाँ से तो बहुत ही दुख हो रहा है। एक एक साथ समय स्पेंड करना चार लोगों का और इतनी अच्छी जगह तो सब चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इसीलिए। सही बोला वो सुबह 180 में लेके आए थे वही जाने का। वाकई में अपना स्टेशन अच्छा है जम्मू से, जम्मू इतना अच्छा स्टेशन नहीं है रेलवे स्टेशन जितना कानपुर का रेलवे स्टेशन। वाकई में नीट एंड क्लीन भी है और अच्छा भी है, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है। नागपुरी सन बर्न हो गया नागपुरी। वी आर जस्ट रीच टू अवर होम, घर आ गए। मम्मी ने हम लोगों को ऐसे करके रुका रखा है देख सकते हैं आप, क्योंकि शी इज़ फॉलोइंग सम क्या ट्रेडिशनल रिचुअल्स। ये सर से पानी उतार के मम्मी ने फेंका हम लोगों का, अब क्या कराना आ जाए अब। तो ये काम एक माँ ही कर सकती है, इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स आर ब्लेसिंग्स।